ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ 6 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ बीएसएनएल पटियाला का जीएम 1 लाख रुपए की रिश्वत लेंदे रंगे हाथी गिरफ्तार बद्दी स्कूल की दीवार डिगन कारण एक प्रवासी मजदूर की मौत घटना की जांच में जुटी पुलिस बुलेटिन का आगाज करते हैं मुख्यमंत्री अहुदे तो हटाए जाने की अटकलों दरमियान जीतन राम मांझी ने पूरी तरह बगावती सुर अपना लिया 20 फरवरी को जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है इस नाल ही पिछले करीब एक महीने तो चल रही राजनीतिक उथल पुथल और जेडीयू च मचिया कमासान हुण खुले मंच ते आ गया मंत्री नरेंद्र सिंह नितिश मिश्रा और वरिशन पटेल ने मांझी हटाए जाने का विरोध करद राष्ट्रीय प्रधान वालों विधायक दल की बैठक बुलाई जाने गैर कानूनी करार दसिया उधर सारे मामले च लोक जनशक्ति पार्टी प्रधान रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार दे लई बिहार दे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नूं हटाए जाना आसान नहीं है पासवान का कहना है कि जेकर मांझी नूं हटाया गया तो इस नाल सत्तारूढ़ जेडीयू टूट जाएगा उधर दूजे पासे भाजपा नेता जीवीएलएल राम ने इस नूं जेडीयू दी दलित विरोधी नीति करार दसिया सो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बिहार दे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नूं मुख्यमंत्री अहुदे तों हटाए जाने दी अटकलां दरमियान हुण राजनीति पूरी तरह गरमा गई है कुछ दिन तो बगावती सूरत लगातार पार्टी लाइन तो हटके बयान देने वाले मांझी नूं हटाउण दी चर्चा काफी गरमा रही है पंजाब च नगर निगम अते कौंसल चोणां होण जा रहीयां ने 22 फरवरी नूं 6 म्युनिसिपल चोणां अते कारपोरेशनां दीयां चोणां होणगीयां 25 फरवरी नूं म्युनिसिपल कौंसल चोणां होणगीयां निगम चोणां लई नामजदगीयां भरन दी आखरी तरीक 7 फरवरी तों 11 फरवरी है उसे दिन शाम तक चोण नतीजियां दा वी ऐलान हो सकदा है अज नगर निगम चोणां दा रस्मी ऐलान हो सकदा है चोण कमिशन वालों इस संबंधी हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने वोटर सूची दे डाटाबेस च आधार कार्ड भी शामिल होगा सीबीआई वालों बीएसएनएल पटियाला दे जीएम नूं 1 लाख रुपए दे रिश्वत दे मामले च गिरफ्तार किया गया जीएम नूं बीती रात उसके दफ्तर तो गिरफ्तार किया गया ते सीबीआई वालों चंडीगढ़ ले जाया गया ते आज अदालत विच पेश किया जाएगा सूत्रों मुताबिक मामला एक निजी कंपनी नाल जुड़िया होया जिस वालों बीएसएनएल दी केबल कर दी गई सी इस तों बाद बीएसएनएल वालों निजी कंपनी नूं 13 लाख जुर्माना पा दिता गया सी अते सौदा 1 लाख ते तय हो गया इस तों बाद जीएम नूं गिरफ्तार कर लिया गया बद्दी स्कूल की दीवार डिगन कारण एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई स्कूल के पिछे खुदाई का काम चल रहा है जिस कारण स्कूल की दीवार बैठन कारण दीवार टिक गई इस वेले हादसा वापरिया उस समय खुदाई वाली जगह ते 5 लोग काम कर रहे सन जिन्हां विचों मोनू नाम दे प्रवासी मजदूर ते अचानक दीवार डिगन कारण उसकी मौके ते ही मौत हो गई मृतक की पहचान निवासी जिला रामपुर उत्तर प्रदेश वजो हुई है जबकि 4 लोग जख्मी हो गए ने घटना की सूचना मिलदे ही पुलिस मौके ते पहुंची अते पुलिस वालों गंभीरता नाल घटना की जांच की जा रही है उधर इस पूरे मामले बारे स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल की दीवार के नाल गैर कानूनी तरीके नाल खुदाई का काम चल रहा है जिस बारे पहला ही पुलिस नु शिकायत दर्ज करवाई जाएगी दीवार गिर गई है कुछ लोग उसमें है बस गया है तुरंत हम टीम भेजा है वहां पे मौका पर और मौका पे हम एक काफी कोशिश किया है लेकिन फिर भी एक बंदा का डेथ हुआ है उसका नाम मोनू है रामपुर जिला का है उत्तर प्रदेश का है और हम इसके जो कानून का कार्रवाई हो रही है इसमें एफआईआर भी दर्ज करना है जिला गुरदासपुर के पिंड कुलार विच एक 26 साल की लड़की दा रहस्यमई हालत विच मौत होने का मामला सामने आया है मृतक लड़की अमनदीप कौर नूं 3 फरवरी नूं गंभीर हालत विच सिविल हस्पताल बटाला लिया गया सी जिथे लड़की वालों कोई जहरीला पदार्थ निकलन कारण हालत गंभीर होने की खबर दर्ज करवाई गई सी
इस तो बाद लड़की की हालत नाजुक होने कारण उसनु अमृतसर रेफर करने समय रस्ते विच ही अमनदीप कौर की मौत हो गई। परिवार वालों बिना पोस्टमार्टम करवाए लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने से जब मामले की छानबीन शुरू की गई तो परिवार वालों लड़की की मौत के कारण की गल पुलिस तो छुपाई गई थी, जिसते शक्की हालातों में लड़की की मौत होने के मामले बारे रिपोर्ट दर्ज करके लड़की के पिता खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। उसके परिवार का कहना है कि लड़की की मौत जहरीला पदार्थ निकलने कारण हुई थी। मैं भी एक दूरी अगे वेख्या, मैंने बड़ी पूछा कि बेटा की हाल है, तो कहिंदी मैं अंकल जी मेरे को पढ़ाई होंदी औखी है बड़ी। जब मैंने पता लगा मैं आगे देखा पिंड चो मैं पता किया, सारे बंदा गया, सारे ने यही कहा कि नहीं कुड़ी बहुत चंगी सी, तो ये जी है पुलिस वाले हम सब ने इन्हें धक्का करन रहे हैं। पुलिस का काम हमेशा धक्का करना, गलत साढ़े न कर रहे हैं, सानू इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सानू जो छे कह रहे हैं वो गल है नहीं, सारा पिंड इस गल की गवाही दे रहा भाई बदबदी बना जो घर च घूम दे भी सारे अही सहमत, चलो अचानक अपने आप ही कर गई है। जरा कुलदेव सिंह कोई होर परिवार का कोई दोस्त नहीं। उद्योगिक हब बद्दी दे बरोटीवाला विच एक चोर गिरोह दा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी नाल जाल विछा के इस गिरोह दे पांच मैंबरां नूं गिरफ्तार किया है, जिन्हां नूं अदालत विच पेश किया जाएगा। एसपी शिवा कुमार ने इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे दस्सिया कि 2 फरवरी नूं किशनपुरा कोल एएनजी फार्मा कंपनी तो करीब 3.25 क्विंटल दवाई विच इस्तेमाल होने वाला लखां रुपए का पाउडर चोरी हो गया सी। पुलिस ने सूचना मुताबिक आरोपी संजीव कुमार कोल एक पुलिसकर्मी नूं ग्राहक बना के भेजा, जिस तों बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश होया। इसमें है एएनजी लाइफ साइंसेस लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी फार्मा कंपनी है। इनसे रिपोर्ट आया है, इनके पास रॉ मटेरियल है, तकरीबन 3.5 क्विंटल का रॉ मटेरियल पाउडर, दवाई बनते हो रॉ मटेरियल से, वो चोरी हुआ है। हम 5 लोग को कल अरेस्ट किया है, एक नारागढ़ में, एक बंदा का मकान में है, रेड भी किया है, वहाँ से तकरीबन 110 किलो पाउडर जो है उसको रिकवरी किया है। इसमें हम 3 डिफरेंट केमिकल्स को रिकवरी किया है, एक अमॉक्सिलिन, ये और कंटेनर का 80 किलो का है, तकरीबन 9.5 लाख का है इसका कीमत। 1 फरवरी 2015 नूं रूपनगर विखे शाम में रोस रैली कर रहे सर्व सिक्ख्या अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक सिक्ख्या अभियान अध्यापकों से लाठीचार्ज करके 250 अध्यापकों से परचे दर्ज करन अते 8 अध्यापकों नूं संगीन तरावां ला के जेल च बंद करन संबंधी एसएसए रमसा अध्यापकों अते समूह प्रार्थी जथेबंदियों वालों रूपनगर विच 14 फरवरी नूं विशाल रोस रैली दा आयोजन किया गया। मुलाजम जथेबंदियों वालों की सांझी मीटिंग दौरान यह तय किया गया कि शांतिपूर्वक रोस रैली कर रहे सर्व सिक्ख्या अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक सिक्ख्या अभियान से लाठीचार्ज करके गिरफ्तार किए गए 8 अध्यापकों को बिना शर्त रिहा किया जाए और हकी मंगा जल्द पूरा किया जाए। अगेन रिमाइंड करवाने आए हैं कि भी जे साडे साथियों नूं रिहा नहीं करवाया गया तो असीं सारे साथियों ने मिल के सारे जिन्हें भी जथेबंदियां पंजाब दियां सारे ने रल के इत्थे रोपड़ विखे फिर दोबारा तो ही एक रैली करनी है। जे साडे साथियों नूं बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो असीं जल्दी ही इत्थे तिखा संघर्ष फिर तो करांगे। पंजाब विच स्वाइन फ्लू दिनों दिन वाधा नजर आ रहा है, हुण तक पंजाब विच स्वाइन फ्लू नाल 3 मौतां हो चुकियां ने। बीते दिन गुरदासपुर दे इक पुलिस मुलाजम जो कि पिछले काफी दिनों तो बुखार खांसी नाल पीड़ित सी दी मौत हो गई। मृतक दी रिपोर्टां चंडीगढ़ दे पीजीआई विच भेजी गईआं ने, जिस तों बाद इह कहना होवेगा कि उह स्वाइन फ्लू नाल ग्रस्त सी जां नहीं। मृतक नूं बीते दिन अमृतसर दे गुरु नानक देव हस्पताल विच दाखल करवाया गया सी। जदों हस्पताल भर्ती होया तां उस नूं खांसी दी शिकायत सी, जिस तों बाद उस दी मौत हो गई। नहीं, वो स्वाइन फ्लू ना डेथ नहीं हुई, वो असी रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट पीजीआई चंडीगढ़ च भेजी है, रिपोर्ट आने तो बाद ही दसांगे। पर दूजी गल यह है कि लोगों के एक दहशत फैल गई कि जिहड़ा भी गुरु नानक हस्पताल दे विच मरीज आ रहा वह स्वाइन फ्लू नाल ही आ रहा, पर जिहड़ा भी मरीज साढ़े कोल आउंदा असी उहदे पहलां रूटीन टैसट करते हैं, तो स्वाइन फ्लू लिए जो टैसट ले शक के आधार पर जो होंगे उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई भेजते हैं, जो कन्फर्म होकर आ जाता तो फिर वो रिपोर्ट के अनुसार पहला भी इलाज शुरू करता जाता, जो भी मरीज आए भावें स्वाइन फ्लू है भावें दूसरा मरीज शक के आधार पर ट्रीटमेंट उस वे शुरू करती जाए।
जैतो पुलिस नूं एक गुमशुदा हालत विच बच्चा मिलिया जो अपना नाम अर्जुन दस रहा है। बच्चे की उम्र करीब 9 तो 10 साल की दसी जा रही है। जानकारी मुताबिक कुछ दिन पहला यह बच्चा कासम पंटी रामियाणा मोड़ तो पिंड के सरपंच नूं मिलिया सी, जिस तों बाद पुलिस नूं इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई सी। पिंड कासम पट्टी रामियाणा मोड़ ते मिलिया, जिन्हों अहीं 4 तरीक नूं थाने इतलाह कीती आ ते अज 5 जनवरी नूं अहीं DSP साहब दफ्तर लै के 9 साल का बच्चा हैगा रामियाणा सरपंच मेरे को लेके आया सी। ये अपना नाम जिहड़ा है अर्जन सिंह दसदा है, पिछले 8 महीने तो यह लापता हैगा। ये पिंड आ गया से इन्होंने, इन्होंने फिर मेरे को लिया, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन से इन्होंने दस दिता है ये आपका। तो जाने जाने एक बार फिर तो नजर हूं तकते हैं खास खबर से। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आदि तो हटाए जाने की अटकलों दरमियान 20 फरवरी को बुलाई गई बैठक। पंजाब च नगर निगम चोणों का अज हो सकता है रस्मी ऐलान। 22 फरवरी को होगी 6 म्युनसिपल और कारपोरेशन की चोणां। BSNL पटियाला का GM 1 लाख रुपए की रिश्वत लेंदे रंगे हाथी गिरफ्तार। बद्दी स्कूल की दीवार डिगन कारण एक प्रवासी मजदूर की मौत, घटना की जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन ही, इस मैं दो इजाजत, धन्यवाद।